आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 20 फरवरी के ईश्वर वरदान की। छोड़ो तो छूटे, कहते भी हैं लाइफ में कि कोई आदत बुरी हो तो उसको अगर आप छोड़ दो तो वो छूट जाएगी, लेकिन अगर हमने ही बुरी आदत पकड़ी हुई हो और हमने ये कह दिया कि नहीं उस आदत ने मुझे बुरा बना दिया है, वो आदत मुझे छोड़ देनी है। कुछ लोग ऐसे भी रीजन देते हैं और उसके ऊपर जोक्स भी बनाते हैं कि मैंने तो छोड़ने की इच्छा करी लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं। रिलेशनशिप्स भी हम ये कहते हैं कि मेरा इच्छा थी पूरी छोड़ने की लेकिन क्या करूं, कहीं उसका दिल ना दुख जाए, कहीं उसको बुरा ना लग जाए, कहीं उसकी भावना को ठेस ना पहुंच जाए, या कोई मेरी एक ऐसी आदत है जो कि मेरे फ्रेंड्स को बहुत अच्छी लगती है लेकिन आज मैं चेंज होना चाहता हूं या चाहती हूं लेकिन कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं मुझे छोड़ ना दे। और परमात्मा कहते हैं सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। तो आज का जो छोड़ो तो छूटे जो वरदान है उसी के बारे में है आज। परमात्मा कहते हैं छोड़ो तो छूटे, इस पाठ द्वारा नंबर वन लेने वाले उड़ता पंछी भव। उड़ता पंछी मतलब आत्मा तभी उड़ पाएगी जब वो सारे बंधनों से अपने आप को छुड़वाएगी। बंधन से छूटने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं दूर भाग जाओ या लोगों को आप हेट करना शुरू करो या घृणा शुरू करो उनके साथ में, या नफरत हो आपके अंदर तब नफरत करोगे तब छूटेगा, नहीं। परमात्मा कहते हैं इंसान से नफरत नहीं करना है, इंसान के अंदर जो काम क्रोध लोमो अहंकार ईर्ष्या घृणा नफरत आलस्य बेलापन है उन कमजोरियों से नफरत करनी है, ना कि इंसान से। इंसान की गलती नहीं कि उसके अंदर ये सारी चीजें आ चुकी हैं आज, क्योंकि आत्मा को तो गिरना ही था, सीढ़ी उतरना ही था, चक्र में आना ही था, तो उसको पवित्र से अपवित्र बनना ही था, तो ये तो गिरना ही है, ये इंसान की गलती नहीं है। तो नफरत करो उन विकारों से, कमजोरियों से, ना कि इंसान से। दूसरी तरह से परमात्मा कहते हैं कि आज मोह से नफरत करो, इंसान से नहीं मोह से नफरत करो जो हमारे अंदर बस चुकी है। तो उड़ता पंछी बनने के लिए ये पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटे। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना। जैसे भी हमने डिस्कस किया, अगर मैं चले जाऊंगा तो क्या होगा उसका, कौन खाना पकाएगा, कौन क्या करेगा, कौन देखभाल करेगा, मेरे बिना तो कोई कर ही नहीं सकता, मैं ही समझ सकता हूं या समझ सकती हूं उसको, वो मेरे बिना कैसे रह पाएगा रह पाएगी, या ये ऑफिस कैसे चल पाएगा, ये घर कैसे चल पाएगा, मेरे बिना तो ये बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ये सारे हमने अपने आप से क्या करे हमें पैर पढ़ रखे हैं, और वो भी नहीं नाखून से पढ़ रखे हैं हमने। तो परमात्मा कहते हैं छोड़ो तो छूटे। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर वन बने, उनका सारा परिवार ब्रह्म कुमारीज में आकर के ज्वाइन कर गया, क्योंकि उन्होंने वो एक स्टेप लिया, उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। लोग हैरान हो गए थे ये क्या हो गया, इनका दिमाग कुछ उल्टा हो गया है, ये लगता है 60 में सटिया गए हैं। ऐसी ऐसी बातें बहुत लोगों ने बोली, आजू बाजू लोगों ने भी बोली, संबंधियों ने भी बोली होंगी, लेकिन ब्रह्मा बाबा को पता था सत्य क्या है। और आज से देखो काफी सारे उनके घर के लोग ब्रह्म कुमारीज में ब्राह्मण बन गए। परमात्मा इसलिए कहते हैं इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर वन बने। ये नहीं सोचा कि साथ ही मुझे छोड़े तो छूटूं, वो मुझे छोड़े तो मैं आगे बढ़ूं आध्यात्मिक, नहीं मुझे बढ़ना है वो मेरे साथ आए या ना आए। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, संबंधी छोड़े तो छूटूं नहीं, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो छूटूं, कि ये तो लोग बीच बीच में आ जाते हैं, मुझे उठने नहीं देते, खाने नहीं देते, समय पे ये नहीं करने देते, मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, ये सब बहाने होते हैं। हम अपने घर वालों के बहुत सारे बहाने इस्तेमाल करते हैं, अगर वो चेंज हो जाए तो मैं चेंज हो जाऊं, वो अपनी आदत बदल दे तो मैं बदल दूं अपनी आदत। परमात्मा कहते हैं ये शक्तिहीनता की आवाज है, अंदर की आत्मा शक्तिहीन हो चुकी है, उसे शक्ति तब मिलेगी जब वो दृढ़ संकल्प करेगी आत्मा। फिर परमात्मा कहते हैं स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटे, खुद छोड़ूंगा तब छूटेगा। तो नंबर वन में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम औरों को देखते हैं, वो भी फंसे हुए तो क्या होगा, कौन सी बड़ी बात होगी, वो 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, वो भी ऐसे फंसे हुए आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो मेरा क्या, मैं तो सिर्फ 5 साल 2 साल 10 साल से ही हूँ ज्ञान में। पर मैं तो कहते हैं ऐसे बहाने मत मारो, क्योंकि ये भी क्या है, हमने पकड़ कर रखा हुआ इस डाली को, और डाली कोई भी हो सकता है, साथी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर मैं तो कहते हैं छोड़ो तो छूटे। तो ये सारी चीजों को सीखने के लिए आप परमपिता परमात्मा के साथ में ब्रह्मा कुमारी में आकर के इस विद्या को ग्रहण कर सकते हैं। ओम शांति।